हेलो फ्रेंड्स, सुकून दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बहुत सारे घरों में बागवानी के लिए जगह कम होती है। ऐसी हालत में हम चाहकर भी ज़्यादा प्लांट नहीं लगा पाते। ऐसी समस्या का समाधान मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जगह की कमी हो तो हमेशा आप परमानेंट प्लांट यानी जो प्लांट सालों भर आपके गार्डन में बने होते हैं को लगाएं। कुछ चुनिंदा खास प्लांट का ही चुनाव करें। ऐसे ही प्लांट्स में से एक प्लांट है जेट्रोफा का प्लांट, जिसे आप लगाकर सालों भर फूल पा सकते हैं। यह लाल रंग का फूल देखने में बहुत ही चटक रंग वाली सुंदर फूल गुच्छों में एक साथ खिलते हैं, जिसके चलते एक ही प्लांट होने पर भी गार्डन में फूलों से भरा भरा दिखता है। इसकी दो वैरायटी आती है। स्क्रीन पे जो प्लांट देख रहे हैं, इसके पत्ते को गौर से देखें। लिप्स में कट लिया है जो आम पत्तों से इसे अलग कर रहा है। इसकी दूसरी वैरायटी का लिप्स एकदम सीधा होता है, उनमें कोई कट नहीं होती है, लेकिन उसके भी फूल इसी फूल की तरह बिल्कुल लाल रंग का होता है। जेट्रोफा को रतन ज्योत भी कहते हैं। इसके फूल को ध्यान से देखने पे 5 पेटल्स के बीच में पीले रंग के एंडोसियम इस तरह से सजा है जैसे दिए के बीच लौ, इसलिए इस फूल का नाम रतनजोत पड़ा होगा। खैर, चलिए इस प्लांट को के बारे में बाकी के बातें, जैसे इसे कैसे लगाते हैं, सॉइल किस तरह का होगा, केयर क्या है आदि जैसे विषय पर आगे बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। रतनजोत को जमीन में लगाने से यह बहुत बड़ी हाइट तक जाती है, लेकिन आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में या इससे बड़े इंच का कोई भी गमला आप चयन कर सकते हैं। यह एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे उस जगह लगाएं जहां दिन का 5-6 घंटे का धूप इसे ज़रूर लगे। अगर 2-3 घंटे का भी धूप पाता है तो यह प्लांट ग्रो करता है, पर थोड़ा फूल कम देगा। यहाँ मैं रतनजोत को 10 इंच के गमले में लगाकर दिखा रही हूँ। इसे लगाने के लिए गार्डन सॉइल का 50% लिया है, जिसमें पहले से 20% बालू मिला हुआ है और बाकी के 50% को मैं वर्मी कंपोस्ट लिया है। सभी को अच्छी तरह से मिला ले। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप कॉटन भी ले सकते हैं और गमले में ड्रेनेज होल को किसी भी टुकड़े से ढक दें। और रतनजोत का यह प्लांट इतने छोटे से प्लांट को पॉलिथीन बैग में दिया है और इतनी बड़ी प्लांट या नर्सरी में 120 रुपीज़ का मिलता है। मैंने इसे कम करके 90 रुपीज़ में लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि रतनजोत के प्लांट का प्रोपोगेशन आप कटिंग और सीड दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। पॉलिथीन पैक को कैंची के सहारे कट करके हटा दें और गमले में पहले आधी मिट्टी भरें, फिर प्लांट को गमले के बीचों बीच रख के बाकी के मिट्टी भर दें, पानी दें। गमले को किसी दूसरे प्लांट के साथ छांव में 3-4 दिन के लिए रखें। उसके बाद फिर इसे डायरेक्ट सनलाइट में गमले को रख दें। पौधा गमले में है तो प्लांट की बरसात के दिनों में प्रूनिंग जरूर करें, क्योंकि छोटे रूप में ही प्लांट घना बना रहेगा और गमले में यह ठीक रहता है इस तरह से। फर्टिलाइजर के रूप में मैं हर 3 महीने बाद सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड फर्टिलाइजर हर एक फ्लावरिंग प्लांट्स को देती हूँ। जेट्रोफा को भी यही फर्टिलाइजर देना है। बीमारी से बचाव के लिए नीम आयल के साथ डिटर्जेंट मिलाकर पानी में घोलकर स्प्रे करें। मैं साल में 2 बार अपने सभी पौधों के ऊपर इसका स्प्रे ज़रूर करती हूँ, खासकर मानसून सीजन में ज़रूर यह काम करना है। इसका केयर कैसे करें? वैसे रतनजोत तो बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा प्यार दुलार की चाहत नहीं रखता। जीवन में हमें भी इसकी चाहत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, तभी हर रोज़ लाख मुसीबतों के बावजूद भी हम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। इस प्लांट को धूप में भरपूर रखें और पानी ज़रूर दें दोनों वक्त का। प्लांट इससे खुश रहेगा और फ्लावरिंग अच्छी करेगा। जेट्रोफा प्लांट का पूरा भाग जहरीला होता है, इसलिए छोटे बच्चों और पेट को इससे दूर रखें। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी नए वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपनों के बीच में शेयर भी कर दें। कुछ कहना है तो कमेंट भी ज़रूर करें।